Now, welcome to Maths classes. Now, start. For the square root by long division method. इससे पहले मैंने आपको बतलाया था prime factorization method से कैसे square root निकाला जा सकता है. अब हम लोग पहले दो method मैं आपको बता चुका हूँ. ये तीसरा method है square root by the long division method. That is the third method should be repeated. Now, मान लीजिए find the square root of 6536. इसका आपको क्या निकालना है? Square root निकालना है. So, सबसे पहले आप इस संख्या को कुछ इस तरह से लिखेंगे 6536. अब इसका पेयर बनाना शुरू करेंगे जैसा कि मैंने किया है. इसके सबसे एक्सट्रीम पर जाएंगे राइट साइड पर और इसका पेयर तैयार करेंगे. जो छूट गया उसको छोड़ देंगे. ठीक है, 36556. तो दो दो अंकों के पेयर मैंने तैयार किए. अब जब आएंगे तो इसके बाद मैं एक लाइन इस तरह का एक छोटी सी लाइन और एक बड़ी सी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे. क्लियर. अब यहां जो संख्या रखा जाएगा, मान लो मैंने यहां 2 रखा तो यहां भी 2 रखेंगे. इसको क्वेश्चन के लिए यहां भी 2 रखेंगे. 2 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहां मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट को यहां लिखेंगे और एड करके इसके वैल्यूज को यहां पर डाला जाएगा. 2 2 4 और 2 2 4 यहां पर डालेंगे. यहां देखना है कि ये 6 से बड़ी है या छोटी. अगर यहां पर बड़ी संख्या, जैसे अगर मैं यहां पर 3 से डिवाइड करता पहले तो 3 3 या क्या होता, 9. अब 9 होता तो 6 से ज्यादा बड़ी थी. इससे 3 से डिवाइड नहीं करके किससे डिवाइड करेंगे, 2 से. तो 2 2 4. क्लियर. तो यहां मैंने लिखा 2 2 का मल्टीप्लाई किया यहां 4 और 4 के बाद इसमें से क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट. इसे माइनस का साइन दिया मैंने, 2. डबल नंबर यहां पर क्या है, पहले डिवीजन में एक ही नंबर लेते थे लेकिन यहां पर क्या करेंगे, डबल नंबर को यहां से लेंगे. डबल 5 को इसके ठीक नीचे 2 के बगल में लिख देंगे. इस दोनों को ऐड किया था 4. अब यहां पर ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए जो इसके या तो इतना ही हो जाए या इससे जस्ट एक छोटी हो. अगर 6 रखते तो 6 से 6 से मल्टीप्लाई होता 636, 6 4 24 और 3 27. 276 जबकि यहां कितना था, 255. सो यहां पर किससे डिवाइड किया मैंने, 5 5 रखा, फिर यहां भी 5 रखा, इस दोनों का मल्टीप्लाई किया और यहां डाला. एड करेंगे और कहां डालेंगे, नीचे. 5 5 0 और 4 50 हो गए यहां पर. क्लियर. अब यहां से क्या करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट किया, 5 5 0 5 2 3 और ये कैंसिल. फिर यहां से डबल लाइन दिया हुआ है, एरो मार्क, ये दोनों नंबर को यहां लिख लेंगे डिजिट को. अब ना यहां पर क्या रखा जाए जो इसके या तो करीब हो या इससे छोटे हो. तो मैंने यहां रखा 6, क्योंकि 6 5 या 30 दिख रहा था तो मैंने 6 डाल दिया. इसको चेकआउट किया कि होगा या नहीं, तो 6 में 6 का मल्टीप्लाई किया 36, 3 6 0 0 और 3 3 6 5 या 30. तो मल्टीप्लाई करके यहां लिखना था और ऐड करके कहां लिखेंगे, 6 और 6 12 1 0 और 1 1 5. सो यहां पर जब इसको सब्सट्रैक्ट किया गया तो देखा गया रिमाइंडर 0 था. इसका मतलब है कि अब हमें फंक्शन क्या मिला, यहां इसका अगर मैंने स्क्वायर रूट तोड़ना हुआ तो स्क्वायर रूट के लॉन्ग डिवीजन मेथड से कितना है, 6 5 5 3 6 = 256. दैट इज द आंसर. ये किसी भी नंबर को आप इस तरह से निकाल सकते हो. नाउ स्क्वायर रूट ऑफ ए डेसिमल नंबर. अब डेसिमल नंबर में दिया हो, डेसिमल में दिया हो तो उसको ऐसे संख्या का कैसे करेंगे. यहां लिखा हुआ है 12.25. ठीक है, इसको इंटीग्रल पार्ट कहते हैं और इसको डेसिमल के पीछे वाले पार्ट को डेसिमल पार्ट. जैसे इसी को होल नंबर पार्ट भी कहा जा सकता है. प्लेस बार्स ऑन द इंटीग्रल पार्ट. प्लेस बार्स ऑन द इंटीग्रल, ये रूल्स मैंने डाल दिया आपके लिए कि कैसे इसको तोड़ेंगे. जैसे इसको तोड़ रहे थे वैसे ही, बस फर्क इतना है कि डेसिमल के पीछे का पेयर अलग बनाएंगे और डेसिमल से आगे का पेयर अलग बनाया जाएगा. इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट दिया, प्लेस बार्स ऑन द इंटीग्रल पार्ट. इसके ऊपर बार देखेंगे का, प्लेस बार्स ऑन द डेसिमल पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डेसिमल. फर्स्ट डेसिमल से इसका स्टार्ट करेंगे, देखेंगे क्या होगा. द नेसेसरी 0 आफ्टर डेसिमल. अगर पीछे पेयर नहीं बनता हो, जैसे अगर मान लो कि पीछे लिखा होता 24.013, तो अगर ये होता तो इसका पेयर बनाते पीछे से, तो यहां से यहां पेयर बनता, पीछे का दशमलव के बाद से पेयर बनाना शुरू करते. ये पेयर था ही, अब यह पेयर जैसे बना, लेकिन पीछे नहीं था जगह,
इसके पीछे अंक नहीं थे, तो आप इसके पीछे जितना जीरो चाहे पेयर बनाने के लिए आप डाला जा सकता है। क्योंकि मुझे पता है कि दशमलव के पीछे लगे हुए इस जीरो का कोई महत्व तब तक नहीं है जब तक कि इसके पीछे कोई अंक लिखा नहीं जाए। ना यहाँ 24.01 था, इसका पेयर बनाया, इसका अलग पेयर बनाया। अब यहाँ पर देखा 5 लगता तो 25 हो जाता, 24 से ज्यादा था, इसे 4 डाला गया, 4 या 16। अब इसको सब्सट्रैक्ट किया तो 8, 4 को ऐड किया तो 8। यहाँ से दोनों को उतारा मैंने 0 और 1। यहाँ पर अब कौन सी संख्या रखी हमने, यहाँ पर 9 रखा। अब 9 ने 9 का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा 9 9 81 8 9 8 72 8 80 पूरा, मतलब पूरा का पूरा अगर यहाँ से सब्सट्रैक्ट किया जाए तो कैंसिल हो जाएगा, और 9 और 9 को ऐड करके लिखेंगे 18 1 8 9 9। सो इसका अगर स्क्वायर रूट तोड़ा गया डेसिमल वाले का 24.01 का, तो क्या निकला 4.1। हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाए कि अगर डेसिमल के पीछे जो अंक होंगे, जो डिजिट डाले जाएंगे, उनका पेयर अलग से बनाएंगे और डेसिमल के आगे वाले का पेयर अलग बनाएंगे। डेसिमल के पीछे का पेयर डेसिमल के बाद से शुरू करेंगे, और यहाँ डेसिमल के आगे का पेयर डेसिमल के इस तरफ से शुरू करेंगे, जैसे 4 3 9 2 8 6 और 7 1 3 दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है, मुझको इसका पेयर बनाना है, तो इसके पीछे का पेयर बनाएंगे, यहां से शुरू करेंगे 8 6 यहाँ, और ये सिंगल है, इसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे यहाँ, और इसके पीछे अगर नहीं है कुछ तो इसको पेयर बनाने के लिए 0 यूज किया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।